नंबर फोर, विल टॉक अबाउट मॉनिटरिंग, यानी कि यहाँ पर टीचर का काम ख़त्म नहीं हुआ बल्कि टीचर का काम एक तरह से बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है. शी हैज़ टू बी वेरी वॉचफुल कि व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि ना सिर्फ उसने देखना है बल्कि उनको मेंटोर करना है, कहाँ कहाँ पर क्या गलती हो रही है, किस तरह से उनको गाइड करना है, किस तरह से बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं, किस तरह से उनको आगे लेके चलना है. और साथ में उसने अपनी जो रूब्रिक्स डिवेलप की हैं, जो उसने स्टूडेंट्स को असेस करना है, उसका भी उसने अपने स्टूडेंट्स को याद कराते रहना है कि बच्चों इन बेसिस पे आपको असेस किया जाएगा. सो कीप इन माइंड कि ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें. नंबर फाइव, स्टूडेंट्स को असेस करना. प्रोजेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को हमने एक एक्टिविटी दे दी और उसके बाद हम भूल गए, बट उस प्रोजेक्ट को किस तरह से असेस करना है ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काफ़ी मुश्किल वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी असेसमेंट जो है चॉइस के बेसिस पे या पसंद नापसंद के बेसिस पे नहीं करनी है. हमने उस असेसमेंट को बहुत ऑथेंटिक किस्म का बनाना है. हमने अपनी ऑथेंटिक असेसमेंट को कुछ टाइम देना है और कुछ एफर्ट देनी है और कुछ क्लैरिटीज़ उसमें पैदा करनी है, जो टीचर के लिए भी क्लियर हो और स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो. और हमने एक और चीज़ करनी है कि हमारी जो असेसमेंट्स हैं उनको हम वेरी करते रहें अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट जो हम उनको दे रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि अगर एक प्रोजेक्ट की असेसमेंट आपने डेवलप कर लिया है तो हर प्रोजेक्ट पे वही असेसमेंट इस्तेमाल हो. अच्छा, अब मैं आपको दूंगी एक PBL के हवाले से एक एग्जांपल. ये है जी टॉपिक हिस्टोरियंस ऑफ टुडे, और ये हम ग्रेड लेवल 4 या 5 के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो प्रोजेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स विल रिसर्च अ हिस्टोरिकल फिगर एंड इन्वेस्टिगेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट हिस्टोरिकल फिगर, और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के ऊपर उस, और उसने उस हिस्टोरिकल फिगर ने आपकी लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट किया है उसके ऊपर भी वो सर्च आउट करेंगे. वो एक पेपर बैग को लेकर उस हिस्टोरिकल फिगर को डिज़ाइन करेंगे, डिवेलप करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे. हम चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है स्टूडेंट्स बता पाएंगे कि वो जो हिस्टोरिकल फिगर है उसका हमारी लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट था, गुड और बैड, राइट, और अभी तक उसकी वजह से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट चल रहा है. सो इसका एक ड्राइविंग क्वेश्चन हो सकता है, और ड्राइविंग क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट हिस्ट्री. सो इसके ऊपर अगर स्टूडेंट्स काम करेंगे तो दे विल ऑब्वियसली डूइंग अ लॉट ऑफ रीडिंग, रिसर्चिंग एंड यू नो प्रेजेंटिंग एंड राइटिंग. दिस इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टिविटी. हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है इंडेंजर्ड एनिमल्स. वो एनिमल जो अब एक्सटेंट हो रहे हैं या हो चुके हैं, ये अगेन ग्रेड लेवल 3 और 4 पे अप्लाई हो सकता है. जिसका सिंपल हमारा प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस ये है कि स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ह्यूमंस की वजह से कौन से एनिमल्स ने कितना सफ़र किया है. फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग की बात कर सकते हैं, इसके अंदर डिफॉरेस्टेशन की बात कर सकते हैं, इसके अंदर हम पोल्यूशन की बात कर सकते हैं, और इसमें स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इसमें उन्होंने देखना है कौन कौन से एनिमल्स इंडेंजर्ड हो चुके हैं, उनकी हैबिटेट क्या थी, ह्यूमंस ने उनके ऊपर कैसे अफेक्ट किया. सो इसका जो ड्राइविंग क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि व्हाई आर एनिमल्स इंडेंजर्ड. प्रोजेक्ट के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स से पूछें उनकी ओपिनियन क्या है, यानी कि हम स्टूडेंट्स को क्रिएटिव थिंकिंग की हैबिट इस तरह से डिवेलप कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो इंकरेज देम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और उनसे पूछें कि वो किस टॉपिक पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे या ज़्यादा इन्जॉयमेंट फील करेंगे या एक्साइटमेंट फील करेंगे, कि हम उनको उनकी चॉइसेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह से. इसके अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में अक्सर लोग पूछते हैं कि टीचर्स का क्या रोल है. टीचर्स ने तो फिर बस फैसिलिटेशन कर दी, थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा चेक कर लिया. नहीं, टीचर्स का इसमें काफ़ी अहम रोल है जो कि मैं 1 by 1 आपको बताऊंगी. सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर. फैसिलिटेटर का मतलब है शी इज़ लुकिंग आफ्टर यू, शी इज़ लुकिंग इनटू द वर्क यू आर डूइंग, देख रही है कि आप किस लेवल का काम प्रोड्यूस कर रहे हो, और जहाँ पर आपको ज़रूरत है आप उनसे हेल्प लेते हो. टीचर अपनी थिंकिंग को मॉडल करेगी कि किस तरह वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करती है, और स्टूडेंट्स उसकी स्टूडेंट्स टीचर को एज अ रोल मॉडल यहाँ पे यूज़ करेंगे. टीचर जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर करी है आपके मीनिंगफुल टास्क 1 by 1 के, किस किस तरह आपने कौन कौन सा काम स्टेप बाय स्टेप आपने करना है. उसके अलावा शी इज़ वर्किंग विद द स्टूडेंट्स टू फ्रेम आउट व्हाट दे विल बी डूइंग एंड हाउ विल दे बी डूइंग. उसको हर चीज़ उसकी अंडर गाइडेंस की जा रही है. एंड अगेन शी इज़ सेटिंग आउट सम गोल्स फॉर द स्टूडेंट्स, कि उन्होंने इस ग्रेड लेवल के हिसाब से
इस टॉपिक के हिसाब से कितना अचीव करना है। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद।